हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बस सेवा रहेगी ये कांग्रेस पार्टी का, जितने हमारे युवा साथी आज यहाँ खड़े बेरोजगार, दसवीं पास जो करके बेरोजगार है उसको 12,000 रुपए मिलेंगे हर में, और जो बारहवीं क्लास का बेरोजगार साथी है उसको 15,000 मिलेंगे दोस्तों, और जितने भी हमारे गरीब साथी हैं, अपने बेघर हैं और ऐसा है, उनको कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, उनको 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे और 1.5 लाख रुपए उनको मकान में रिपेयर बनाने के लिए दोस्तों। ये सरकार गरीबों की और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार, वो हम मजदूरों की सरकार, वो छत्तीस बरादरी की सरकार दोस्तों। तो आपसे यही कहूंगा, जिस तरह से आप हौसला बना रहे हैं, जिस तरह से आपका जज्बा है और जिस तरह से आप पूरी हौसले के साथ आप लगे हुए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आने वाला समय बहुत अच्छा समय है, और निश्चित रूप से ये जो इन्होंने कहा था कि हम विकास करवाएंगे, मिश्रा साहब इन्होंने जो विकास करवाए गुड़गांव के अंदर, उन विकास का जब दो मिनट की बारिश होती है तो यहाँ 2 घंटे के जाम लग जाते हैं, और जब 4 मिनट की बारिश यहाँ होती है तो 4 घंटे के जाम लगते हैं, 10 मिनट के बारिश से 10-10 घंटे की जाम लग जाते हैं। मिश्रा जी, यहाँ इन्होंने हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर बनाया और इसको चौक के अंदर जो बनाया, सिर्फ एक ही बारिश के अंदर वो फ्लाईओवर क्रैक आ गई, और दोस्तों उनकी जो इनका विकास के रूप में जो इन्होंने लिपस्टिक पाउडर और जो ये मेकअप किया था गुड़गांव का दोस्तों, वो मेकअप सिर्फ बारिश में धुल गया, और वो जितने क्रैक आ गए इस तरह का विकास है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये खाली घोषणाओं की और जुमले की सरकार है, और आपने देखा होगी आज से 5 साल पहले जब ये कह के आए थे कि 5-5 लाख रुपए आपको खाते में जाएंगे दोस्तों, कोई का 1 रुपया आया जी, इन्होंने कोई खाते खुला गए, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने घोषणा बंद करेगी दोस्तों। और बड़े शर्म की बात, जो हुड्डा साहब ने हमारे गुड़गांव को एक विश्व के मानचित्र पे लेके गए थे गुड़गांव को, और जब बात स्मार्ट सिटी की इन्होंने घोषणा की तो दोस्तों बड़े शर्म की बात है, उस टाइम पे खट्टर साहब क्या कहते हैं कि करनाल को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोगों ने पूछा और सीएम साहब क्यों बना रहे हो, वो बोला भाई गुड़गांव के 2 नंबर पर है करनाल से, बड़े सोचने के विषय। आज जिस तरह से हमारा एक मिलेनियम सिटी और जिस तरह से एक हैपनिंग सिटी गुड़गांव था, वो इन्होंने आज हर बरादरी के साथ, हर 36 बरादरी का एक आंसू में से 2-2 आंसू निकल रहे हैं दोस्तों। आज बिजली का इन्होंने नो पावर कट जोन इन्होंने घोषित किया था गुड़गांव को, मेरे को याद है आज से 2 साल पहले 15 अगस्त को, आज डीएलएफ क्या, आज शांति नगर क्या, ओम नगर क्या, राजेंद्र पार्क क्या, आज राजीव कॉलोनी क्या, संजय ग्राम क्या, गुड़गांव गांव, कनई सिलोगा, वजीराबाद, चकरपुर क्या, हर आदमी आज परेशान है बिजली से दोस्तों। आज इनका तो एक ही उद्देश्य है कि गुड़गांव से जो आप मैक्सिमम आप बिल लो और यहाँ बिजली दो दोस्तों। आज जब हुड्डा साहब अपने कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आपको ये बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि 300 यूनिट तक आपकी बिजली की माफ करेगी कांग्रेस पार्टी, और 300 यूनिट से ऊपर जब आपके चाहे 50 यूनिट हो, चाहे 500 हो, चाहे 1,000 हो, आपके आधे पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ कि इसे जेंटलमैन सरकार, इसे जेंटलमैन पार्टी आपको मेरे ख्याल में मिल नहीं सकती इस देश में, क्या पूरे विश्व के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज जिस तरह से हमारी जो कॉलोनियों के अंदर पानी की किल्लत आ रही है दोस्तों, हुड्डा साहब की सरकार के अंदर हमारे राजेंद्र पार्क के अंदर हम कनाल बेस पानी लेके आए थे, और मैं वो सरदार अपने सरदार केरव
केरव साहब के टाइम से कॉलोनी बसी हुई है और कितने हमारे ये पीछे सरकार है लेकिन आज तक उनके नहीं पहुंच पाया था पानी। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आज जितने जी जान से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक ही बात आपसे कहूंगा दोस्तों, परसों जब 21 तारीख को जब वोट डालो डालने जाओ और बूथ पे बिल्कुल खड़े रहो दोस्तों, ये बीजेपी के पार्टी बहुत अपने ढेरों की पार्टी है, ये गुड़गांव गांव में कुछ है, डीएलएम में कुछ है, रोशनपुरा में कुछ है और दोस्तों पूरे अपने रंग बदलती है, भेज बदलती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, आप पूरे जी जान के साथ बूथ पे खड़े रहो दोस्तों।